वेलकम बैक माई चैनल ड्रीम नेक्स्ट। हम हैं बिहार के राजगीर में, बिहार की गौरवशाली जगह राजगिरी, मतलब कि राजाओं का जो गृह होता है उसी को राजगिरी कहा जाता था, उसी से राजगीर शब्द प्रचलित हुआ है। ये प्रचलित नाम है राजगीर, और राजगीर आप जानते हैं बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है, देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हम भी आज आए हुए थे, हमारे पिछले ब्लॉग को आप देख सकते हैं कि हम लोग स्काई वॉक किए थे ग्लास ब्रिज पर, तो अद्भुत है चूँकि यह भारत का पहला ग्लास ब्रिज है और इससे पहले चाइना में हुआ करता था। तो देखिए हमारा बिहार कितना विकसित होता जा रहा है, टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत विकसित होता जा रहा है। तो हमारा पिछला ब्लॉग आप देख सकते हैं, हमने जू सफारी भी आपको दिखाया है, वो भी आप देख सकते हैं, और वो देख करके हम वन डे टूर में, चूँकि हम यहाँ तो रुकने के लिए आए थे लेकिन मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर एक दो दिन रेस्ट के बाद फिर पटना से आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ एक्सप्लोर करना है। तो ये राजगीर है, ये राजगीर से अब हम प्रस्थान कर रहे हैं पटना के तरफ, और देखिए यहाँ पर पहाड़ी वगैरह बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर रात में भी रुकने का एक अलग मज़ा है, और हमारे पीछे जो है सो ये देखिए सनसेट हो रहा है, सनसेट का कितना ज़बरदस्त व्यू है, जरा सा सनसेट व्यू को दिखाइए। और हम आपको लेके चल रहे हैं पटना, हमारी गाड़ी तैयार है पटना जाने के लिए, देखिए गाड़ी मेरी रेडी है, चाबी मेरे हाथ में है, चलिए हम लेके चलते हैं राजगीर से पटना तक, पूरा रास्ता आपको एक्सप्लोर करते हुए लेके चलेंगे, चलिए हम। देखिए यहाँ से हम सनसेट का व्यू दिखा रहे हैं, हम जा रहे हैं राजगीर से पटना, तो इवनिंग में सनसेट का व्यू दिखा रहे हैं, और खेत खलिहान के साथ जो हरियाली तो दिख रही है, मज़ा आ गया, वाह वाह वाली फीलिंग आ रही है। अब सनसेट लगभग जो है सो ख़त्म होने वाला है, और देखिए हम जा रहे हैं पटना, और ये रोड व्यू इतना ज़बरदस्त, हम इस इवनिंग में कार ड्राइव कर रहे हैं, ये ड्राइवर समझ सकता है, ड्राइविंग करने वाला आदमी समझ सकता है जब स्टीयरिंग इसके हाथ में है, तो देर किस बात की, पटना से राजगीर आने के लिए सोचना नहीं कि होटल में रहना है, सुबह चलिए ऑनलाइन टिकट लीजिए, रात में ऑनलाइन टिकट लीजिए, सुबह चलिए, दिन भर घूमिए, एक दिन का वीकेंड में भी प्रोग्राम बना सकते हैं, संडे को सैटरडे को, और शाम में फिर पटना चल जा सकते हैं अगर पटना से आ रहे हैं तो। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, वो हम लास्ट में डाल देंगे कि होटल्स कौन कौन से अच्छे हैं। पहाड़ी पंच पहाड़ी और सर्वधर्म समागम स्थली राजगीर में आपकी यात्रा के लिए धन्यवाद, तो ये धन्यवाद मिल गया, ये रोडवेज के तहत कि हम राजगीर से जब जा रहे हैं तो धन्यवाद का ज्ञापन हो रहा है, और हम चल रहे हैं राजगीर को भी धन्यवाद करते हुए पटना की तरफ। तो हम राजगीर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच गए हैं बिहार शरीफ के पास, और बिहार शरीफ के पास NH-20 में जो झारखंड से आती है तो उसमें हम कनेक्ट हो रहे हैं, इसी NH का अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो थोड़ा दूर यहाँ से 5 किलोमीटर रोड आपको डिस्टर्ब मिलेगा, उसके बाद हम लेफ्ट टर्न ले लेंगे नूरसराय के लिए, तो ये राजगीर मोड़ करके भी यह चौराहा नामी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज वगैरह सब लगभग 90% से ज़्यादा काम हो चुका है, बस सब शुरू होना है, तो फिर हम लोग ऊपर से ही रफ्तार भरेंगे। लेकिन नूरसराय वाली रोड हमारे लेफ्ट तरफ जाती है, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं, हम एक नया रोड मेरे को रिसर्च हुआ है, तो हम सरबेरा बेहटा वाली रोड पकड़ेंगे आगे चल के, तो वो हम एक नया रोड से लेके चल रहे हैं। हम जब आए थे पटना से तो यही नूरसराय होके आए थे, तो उस रोड को छोड़ के चल रहे हैं एक दूसरी रोड से, तो वो कौन सा नया रोड है वो आप चल के देखिएगा, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ उस रोड से,
तो मेरे को अभी एक सजेशन मिला था कि उधर से जाया जाए, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। देखिए ये नई रोड NH20 इस तरफ बन कर के तैयार है, पता नहीं बख्तियारपुर तक कंप्लीट है कि नहीं है, हम आगे चल के भी पता करेंगे। लेकिन उस सर्वेरा के लिए, सर्वेरा बिहटा वाली जो रोड है वो यहाँ से 5.5 किलोमीटर, जहाँ नूरसराय चौक से हम लोग पहले मुड़ने वाले थे, तो वहाँ से 6.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड मुड़ेगी। हम 1.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं, तो अभी 5 किलोमीटर के बाद हम लोग लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। तो उस रोड से मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो वो उसको मैं नया रिसर्च किया हूँ, तो चल के आपको दिखाता हूँ। तो वो रोड अगर अच्छी होगी तो अभी तत्काल राजगीर आने के लिए यही रोड सबसे बेस्ट होगा। हम पटना से आए थे, वो भी रोड दिखाए थे, आप पीछे के ब्लॉग में देख सकते हैं। और जब हम जा रहे हैं राजगीर से पटना, तो एक नया रोड मेरे सजेशन में आया एक जगह से, तो हम वहाँ से इस रोड को लेकर कि आपको चल रहे हैं। सड़क तो अच्छी है यहाँ पर, चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो वो जगह आ गई जिसकी मुझे तलाश थी, ये बिहटा सरमेरा रोड है जो हमें ले जाएगी पटना की तरफ। और हम भाया नौबतपुर से भी टर्न ले सकते हैं, तो हम आगे चल के बताएंगे। अभी तो हम बिहटा वाली रोड पकड़ लिए हैं जो मुझे पटना के लिए कनेक्ट करेगी। देखिए अच्छी रोड है, मुझे इसके बारे में जहाँ तक पहले से पता था, बट प्रैक्टिकली मैं आज जा रहा हूँ इस रोड से, तो मुझे थियोरेटिकली पता था कि ये अच्छी हाईवे है। तो आपको हम लेके चल रहे हैं, और यहाँ से पटना 60 किलोमीटर, ओनली 60 किलोमीटर है पटना, और रोड अच्छी है। चलिए नाइट ड्राइव का भी मज़ा लेते हैं, आगे हम और भी अपडेट देते हैं इस नए रूट के बारे में जो बिहटा सरमेरा रोड है। तो हम चल रहे हैं पटना, और आपको बताए थे कि हम सरमेरा बिहटा वाली रोड है वो फिर उसी रोड में आके मिल गई। तो हम तो मुझे वो भीड़ से तो बच गए जो उधर जाम लगता था नूरसराय वगैरह में मार्केट में, तो अभी मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर पर से हमको लेफ्ट मुड़ना है अगर हम बिहटा वाली रोड पकड़ लेंगे, और नौबतपुर के पास एम्स वाली रास्ता से हम चले जाएंगे जगदेव पथ बेली रोड के पास, तो ये मुझे आसान लगता है। और सीधे चले जाएंगे, अभी हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं, हम जाना चाहते हैं इधर लेफ्ट से, और सीधे जाएंगे तो हम फतुहा होते हुए जाएंगे। तो अभी हम चूँकि हमको पश्चिमी पटना में जाना है तो हम लेफ्ट से चलते हैं। आप अगर आपको पूर्वी पटना में जाना है तो आप सीधे जा सकते थे फतुहा वाली रास्ता से। तो ये हम नया रास्ता का जो रिसर्च हुआ है इसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन था कि आप, मैंने लेफ्ट ले लिया, तो यहाँ से हम जा रहे हैं बिहटा वाली रोड से। और इस पर एक फायदा और है कि पटना का ट्रैफिक मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे वेस्टर्न पटना में जाना है जगदेव पथ मोड़ के पास बेली रोड पर, तो ये मेरे लिए और अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है। अगर आप पूर्वी पटना में हैं और हाजीपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप सीधे जा कर के फतुहा होके जा सकते हैं, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था जब हम पटना से राजगीर जा रहे थे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, चलिए हम इधर से लेके चलते हैं। मुझे लगता है कि हम जा रहे हैं चंडी होकर के, और चंडी से आगे हम जाएंगे बिहटा की तरफ। तो बिहटा नहीं जाएंगे, बिहटा से पहले इस रोड पर ट्रैफिक भी नहीं है, एकदम स्मूथ रोड है। तो बिहटा से पहले मुझे नौबतपुर से जस्ट पहले राइट साइड नहर के किनारे से एकदम फर्स्ट क्लास रोड है, सिंगल रोड है, फर्स्ट क्लास वहाँ से रोड है, सीधे हम एम्स के पास गुलंबर्ग से निकलेंगे मुझे लगता है। लेकिन चलिए, मुझे गूगल आंटी किस होकर लेके जा रही है, और दोनों होकर के हम अपनी जगदेव पथ चौराहे के पास 6-7 किलोमीटर इस रूट से ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इसका भी अनुभव ले लेते हैं। मुझे समय पहले हम पहुंच रहे हैं इधर से,
तो सड़क अच्छी होगी, हम दिखा भी रहे हैं आपको। आप भी अगर इधर से गए हैं तो अभी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए कि आपको कैसा लगा था इधर से जाने में। चलिए, इधर से एक और बेनिफिट है कि मुझे 130 रुपीज़ का टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, जो मैं वहाँ फथुआ होके जाता तो पटना में इन करने के समय मुझे टोल टैक्स देना पड़ता, तो एक टोल टैक्स भी बच रहा है और सड़क तो अच्छी ही है, देख रहे हैं। चलिए चलते हैं पटना, हम एम्स गोलंबर के पास से निकलेंगे मुझे लगता है, लेकिन पता नहीं और कोई रास्ते से अगर ये ले जाएगी तो हम वो भी अपडेट आपको देंगे। देखिए, मैंने जो कहा आपको, ये रोड जबरदस्त है, मक्खन मक्खन है रोड, और इतनी खूबसूरत मैंने ड्राइविंग हो रही है कि बस कहिएगा कि मज़ा आ रहा है। तो मज़ा आ गया इस रोड से जाने में, और ये पटना को पूरा बाईपास करके जाएगी, इसलिए इस रोड का नाम भी रखा गया है पटना रिंग रोड। तो ये बहुत सारे हाईवे को कनेक्ट करती है, ये पटना गया हाईवे को भी कनेक्ट करती है, तो इसलिए इसका नाम रिंग रोड है। और जिनको बिहटा जाना है, बहुत सारे लोग बिहटा के होते हैं, वेस्टर्न पटना के पश्चिम दिशा में जो लोग रह रहे हैं, वेस्टर्न साइड रह रहे हैं, जैसे मैं भी रह रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये उपयोगी है। हाँ, ये ईस्टर्न साइड की जिनकी को रहना है तो उनके लिए तो अच्छा था फतवा होके जाना, बट जिनको अगर वेस्टर्न तरफ यानी कि पटना जंक्शन से वेस्ट साइड में जो रहते हैं उनके लिए तो ये रोड बहुत अच्छी रोड है। और जो लोग फतवा से जाना चाहते हैं जा भी सकते थे, मैं तो आया था फतुआ होके ही, लेकिन मुझे ये सड़क बहुत अच्छी लग रही है। आप देख भी पा रहे होंगे कितनी अच्छी रोड है, और टोल फ्री रोड, टोल टैक्स अभी नहीं इस पर लग रहा है क्योंकि इसका भी फाइनल फिनिशिंग नहीं हुआ है, इसलिए तो टोल नहीं लगाया गया है। ठीक है, फ्यूचर में कभी टोल लगेगा जरूर, क्योंकि जब हाईवे है 4 लेन 6 लेन 6 लेन तब देख ही रहे हैं, तो ये बाद में होगा। लेकिन अभी अगर आप जाना चाहते हैं पटना से तो ये बहुत ज़बरदस्त है। नौबतपुरा भी लिखा हुआ था, सीधा जाना है, शेखपुरा वगैरह जाने के लिए इधर बाएं से जा सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन देखिए, एकदम 6 लेन एकदम दन दनाते हुए चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। और लॉन्ग ड्राइव की अगर आप शौकीन हैं तो इस तरह से राजगीर आना आप बहुत पसंद कीजिएगा। और जिनको बीटा आरा की तरफ जाना है, बक्सर की तरफ जाना है, उनके लिए तो और अच्छा है। इनको लखनऊ की तरफ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कनेक्ट करना है, ये बहुत ज़बरदस्त है। पटना में आप ट्रैफिक से बच जाइएगा क्योंकि पटना को ये बाईपास करके रिंग रोड से निकल रही है। तो चलिए, हम आपको और भी रास्ते में अपडेट देते चलेंगे। बहुत खूबसूरत ड्राइविंग हो रही है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये गया के लिए यहाँ से लेफ्ट मिलेगा 87 किलोमीटर, हाजीपुर के लिए 32 किलोमीटर, यहाँ से भी हाजीपुर की तरफ आप जा सकते हैं, पटना 14 किलोमीटर, आरा 59 किलोमीटर। तो ये बहुत खूबसूरत इन्फॉर्मेशन है, बहुत खूबसूरत ये रोड है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप लोग में से इस सड़क का जो लोग इस्तेमाल किए होंगे, पटना के वेस्टर्न साइड रहने वाले, आरा बक्सर की तरफ के रहने वाले, लखनऊ जाने वाले लोग, यूपी जाने वाले लोग, तो मुझे बताइएगा। और हाजीपुर जाने के लिए भी यहाँ से आप राइट टर्न ले सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अभी से कमेंट करना शुरू कर दीजिए। हम आपको पटना ले जा रहे हैं, और पटना चल के पूरा, अभी पटना से पहले बहुत सारे अपडेट्स आएंगे, वो भी दिखाऊंगा मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको एक नया रिसर्च करके दे रहा हूँ रोड का, यही ड्रीम नेस्ट का ड्रीम है। तो आप ड्रीम नेस्ट के साथ जुड़िए, कनेक्ट रहिए, और ऐसे ऐसे अवसरों को आप उपयोग कर पाइएगा कि बिना गाइड का आप बहुत अच्छी लॉन्ग ड्राइव कर सकते हैं, डेली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, हम आगे और भी अपडेट देते हैं। तो अभी मेरा डेस्टिनेशन यहाँ से 20 किलोमीटर के पास है, और अभी ये टोल प्लाजा शुरू होने वाला है, टोल प्लाजा शुरू हुआ नहीं है, तो अभी टोल तो नहीं लगेगा अगर अभी आप आते हैं तो। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन था कि टोल प्लाजा आने वाले समय में चालू होगा, तो टोल इधर से भी लगेगा। कितना लगेगा अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है, वो डिस्प्ले होगा तो पता चल जाएगा।
बट अभी उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, लेकिन अगर होता भी है, टॉल लगता भी है, तो टॉल देने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जब सड़कें इतनी अच्छी है, मानी 6 लेन है, और जो वेस्टर्न पटना में रह रहे हैं तो उनके लिए, या फिर पटना के वेस्ट साइड जाना है, जैसे कि बेटा की तरफ जाना है, आरा बक्सर यूपी की तरफ जाना है, तो उनको पटना में अगर काम नहीं है कोई, तो पटना को बाईपास करके निकल सकते हैं। तो नौबतपुर विक्रम बेटा के लिए यहां से लेफ्ट टर्न लेकर के आपको अंडरपास जाना होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन था, यहां से हम बता रहे हैं, और जिन्हें बेटा ही जाना है और आरा बक्सर यूपी की तरफ जाना है तो सीधे जाएंगे। मुझे जाना है एम्स की तरफ, तो मैं यहाँ से लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से हम लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, तो चलिए हम और आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर कोई बारात आई है, इसलिए थोड़ा सा रस है, रस नहीं है, बस एक गाड़ी आगे में लगी हुई थी, वो भी निकल रही है। तो यहाँ से डाइवर्जन है, और ये रोड बन भी रही है, आगे हम अंडर पास से निकलेंगे, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो वो जो बाएं तरफ जहाँ से हम इन किए थे, थोड़ा सा माने कि 20-25 मीटर ही था डिस्टर्ब, बल्कि वैसा नहीं था डिस्टर्ब, यह रोड अप्रोच बनी हुई है, और हम बस 300-400 मीटर पर से हम राइट टर्न अंडर पास लेने वाले हैं। तो वो भी जगह आप देखिएगा, वो जगह आ ही गया, देख रहे हैं कि गाड़ी आप बाएं से दाएं तरफ जा रही है, तो हम यहीं से कि पटना राइट साइड जाना है, और बाएं चले जाइए तो मसौढ़ी की तरफ चले जाइएगा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, गया जाना हो, मसौढ़ी जाना हो, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिएगा, हम यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं। तो बहुत अच्छी सड़क है, पटना में कहीं भी जाना हो तो आपको फतवा होके जाने की ज़रूरत नहीं है। फतवा होके मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद पड़ा, क्योंकि मैं मुझे जानकारी नहीं थी, तो हम फतवा होके ही आए थे। लेकिन जैसे ही हम राजगीर पहुँचे, ड्रीम नेस्ट की टीम इस पर पूरा रिसर्च की, लोगों से बात की, रोड के बारे में जानकारी ली, और रिसर्च करके वो ड्रीम नेस्ट की टीम ने इस रोड को निकाला, नया रोड, जो आप पटना से अगर जाते हैं राजगीर लोग जाते ही हैं वीकेंड में, कहाँ जाएंगे पटना से नज़दीक में, तो राजगीर जाएंगे, गया जाएंगे, एक दिन की और अगर छुट्टी है तो आप राजगीर से आप ककोलत की भी यात्रा कर सकते हैं। मैं भी करने वाला हूँ, मैं 2-3 दिन के बाद ही मुझे लगता है कि हम ककोलत की तरफ जाएंगे, तो फिर से एक बार राजगीर जाएंगे, क्योंकि राजगीर का बहुत सारा पॉइंट छूट गया है मुझे, आज अचानक से पटना वापस आना पड़ा। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बहुत जल्द हम एम्स गोलंबर क्रॉस करके आ गए, ये एलिवेटेड जो 6 लेन है जेपी सेतु में कनेक्ट करने वाली, हम उसके पास आ गए। बस बट मुझे जेपी सेतु तो जाना नहीं, आप देख भी रहे हैं, सोनपुर जाने का रास्ता है, छपरा जाने का रास्ता है, मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता है, जेपी सेतु जाने का रास्ता है, ये एलिवेटेड जो 6 लेन है, तो वो हम छोड़ के बाएं जाएंगे, क्योंकि मुझे बेली रोड पर जाना है, वो बेली रोड के ऊपर से निकल जाएगी जहाँ बेली रोड से कनेक्शन नहीं है। तो ये आपको हम अपडेट दिखा रहे हैं कि अगर आपको सोनपुर छपरा हाजीपुर मुजफ्फरपुर की तरफ जाना है तो यहाँ से निकल सकते हैं राइट साइड, ये एलिवेटेड जो राइट साइड रोड है जो बेली रोड के ऊपर से चली जाएगी मेरी दाहिने तरफ। तो ये अपडेट है, और हमें जाना है दानापुर स्टेशन, तो इधर बाएं है दानापुर स्टेशन भी मुझे नहीं जाना है, मुझे जाना है बेली रोड पर। तो हम अभी सीधे निकल जाएंगे, और जिन्हें फुलवारी जाना है तो यहीं से दाहिने जा सकते हैं। तो ये सारा अपडेट हम आपको बताते जा रहे हैं। देखिए जिनको फुलवारी जाना है यहाँ से राइट साइड जा सकते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। और पटना में कहीं भी जाइए, तो अगर आप राजगीर से आ रहे हैं या राजगीर जा रहे हैं, तो पटना में कहीं से भी आप बेटा सरमेरा वाला हाईवे जो पटना का रिंग रोड है उसको पकड़ के जा सकते हैं। तो ये हम सारा इन्फॉर्मेशन, और ये हमारी ड्रीम नेक्स्ट की टीम की मेहनत रंग लाई है, और आप देखिए हम पहुँच गए। अब रंग का तो चर्चा होगी, क्योंकि होली आने वाली है, दानापुर जंक्शन के लिए इधर जाइए, संग्रामपुर के लिए जाइए, दानापुर कैंट के लिए जाइए, तो हम पटना में पहुंच गए हैं, आप देख भी रहे हैं। चलिए हम पटना के बेली रोड पर आपको लेकर चलते हैं, और ये खूबसूरत ओवरब्रिज को आप देख पा रहे होइएगा, ये आपका जाना पहचाना
ब्रिज है जो आपको इधर नहर के किनारे से सीधे निकाल देगी बेली रोड को कनेक्ट करती हुई। तो ये हम आपको खूबसूरत अपडेट और यूजफुल अपडेट आपको दे रहे हैं अपने रोड ट्रिप के दौरान। और ये ड्रीम नेस्ट की टीम रोज न्यू अपडेट कर रही है और ड्रीम नेस्ट की टीम डेली एक ब्लॉग लेके आ रही डेली। तो प्रत्येक दिन आपको एक नया ब्लॉग मिलेगा। तो ड्रीम नेस्ट की टीम के साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए और नए नए वीडियो का आनंद लीजिए। हम आपको अभी मेरे पिछले ब्लॉग को आप देखिएगा तो हम दरभंगा से पटना आए थे और बहुत लोग दरभंगा मुजफ्फरपुर से पटना आते हैं तो पटना में कहाँ से एंट्री ले, तो हमने मेरी ड्राइव होते हुए एंट्री दिखलाया था। तो वो सारा वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले अभी शिवरात्रि का समय था तो शिवरात्रि के समय हमने जो है सो पटना के सबसे प्रसिद्ध शिवालय शेखपुरा में वहाँ पर जहाँ पर आपको सारे जगहों का शोभा यात्रा वहाँ पर आकर के एक साथ हो जाती है तो वो भी हम आपको शोभा यात्रा दिखाए थे। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं। शिव मंदिर की पूजा आराधना जो शेखपुरा शिव मंदिर शिवालय की है, मैंने भी बताया था कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा शिवालय और सारे लोगों की मनोकामना वहाँ पूर्ण होती है तो वो भी हम आपको ब्लॉग दिखाए तो वो भी जाके देख सकते हैं। पटना का क्रूज जो जेपी सेतु के पास से स्टार्ट हो गया दीघा में, एकदम नया क्रूज जो आप NIT में देखे हुएगा NIT घाट पर, वो उससे भी बहुत बड़ा क्रूज है तो वो भी हम आपको दिखलाए हैं। और अभी क्रूज पर हम तो शेयर नहीं किए हैं, वो भी हम करने वाले हैं। तो रोज एक नया ब्लॉग आप देखना चाहते हैं और आनंद लेना चाहते हैं, नया अपडेट चाहते हैं और जिस टीम के द्वारा इतनी मेहनत हो रही है, रिसर्च हो रही है, नया नया आपके लिए यूजफुल थीम लेके आ रही है, वो चैनल है ड्रीम नेक्स्ट। और ड्रीम नेक्स्ट के साथ कनेक्ट रहिए। तो हम अब बेली रोड के पास बस पहुंचने वाले हैं। अब हम ये बेली रोड मेरे बाएं साइड में बेली रोड के फ्लाईओवर है जो गोला रोड से रुकनपुरा जयदेवपद की तरफ जाती है, ये वही फ्लाईओवर है। तो इसी फ्लाईओवर पर हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने वाले हैं तो ये बेली रोड पर हम यहीं से कनेक्ट होंगे और हम इस ब्रिज को पार करके जगदेवपद के पास जाने वाले हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं कि हम कितना इजी तरीके से पटना को बाईपास करते हुए पटना में पटना के वेस्टर्न साइड में इजीली पहुंच सकते हैं। बल्कि हमने तो ये भी आज रिसर्च के दौरान रोड ट्रेवल के दौरान इस ट्रिप में मुझे ये स्पष्ट हो गया कि आप पटना में कहीं से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आप गायघाट कनेक्ट होना चाहते हैं या बाईपास में कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ आप आ सकते हैं, अनिसाबाद के पास आ सकते हैं और फिर एम्स गोलम्बर फुलवारी के पास आ सकते हैं। तो वो हम उस रास्ते से आए ही हैं तो हर जगह से आपको बताते चले कि आप भिन्न भिन्न रास्तों से पटना को कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी टोल भी नहीं लग रहा है और वो पूरा 6 लेन है, पटना की ट्रैफिक भी नहीं होगी तो बेहतर है ये रोड। और हम आपको पूरा राजगीर से पटना तक का ये रोड ट्रिप आपको दिखाए और हम नई नई जानकारी दिए हैं ड्रीम नेस्ट की ओर से। तो ड्रीम नेस्ट की चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रोड जर्नी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, खास करके जब हम आ रहे थे राजगीर से पटना तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया। आपको भी मज़ा आया होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी कितना मज़ा आया। हम मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग, डेली एक नया ब्लॉग लेकर के आ रहे हैं ड्रीम नेस्ट की टीम। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।